पीएम मोदी की विश्वसनीय को लक्षद्वीप की जिम्मेदारी। पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे की जिन्होंने तैयारी करवाई सारी। कौन है प्रफुल्ल पटेल जो है लक्षद्वीप के प्रभारी। लक्षद्वीप को पंख लगाने की अब कैसे करेंगे तैयारी। देश मालदीव ने जो हरकत की है, मालदीव के मंत्रियों ने जिस तरह से पीएम मोदी का अपमान किया है, ये मामला अभी यहाँ शांत नहीं हुआ है और लगता है जैसे हाल फिलहाल में होने भी नहीं वाला है, क्योंकि पीएम मोदी ने लक्षद्वीप को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की ठान ली है। उनकी एक अपील ने तो मालदीव में तहलका मचा दिया है। सोचिए जिस तरह से देश विकास के रथ पर चल चुका है, उसी तरह से जब लक्षद्वीप पर ध्यान दिया जाएगा तो मालदीव तो लक्षद्वीप से काफी पीछे रह जाएगा। पीएम मोदी नए साल पर लक्षद्वीप पहुंचे थे और 4 जनवरी को उन्होंने वहां से अपनी तस्वीरें साझा की थी और लोगों से लक्षद्वीप में पर्यटन को बढ़ाने की अपील की थी। और पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे का पूरा इंतजाम प्रफुल्ल पटेल ने किया था, जिन्हें पीएम मोदी ने ही लक्षद्वीप की कमान सौंपी है। पीएम मोदी के आगमन की प्रफुल्ल पटेल ने जबरदस्त तैयारी की थी। गुजरात के रहने वाले प्रफुल्ल पटेल ने पीएम मोदी के स्वागत के लिए लक्षद्वीप के विकास कार्यों की पूरी रिपोर्ट पीएम मोदी को दी थी। लक्षद्वीप जब पीएम मोदी पहुंचने वाले थे तब प्रफुल्ल पटेल ने लिखा था कि विकास के विचारों को आकार देकर और देश को विकास की राह पर आगे ले जाकर भारत का भविष्य बदलने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी लक्षद्वीप के मेहमान बनने जा रहे हैं। संघ प्रदेश की जनता एवं प्रशासन आपके आगमन एवं स्वागत की प्रतीक्षा में है। लक्षद्वीप में आपका स्वागत है। हालांकि जब मालदीव की गंदी जुबान पीएम मोदी के लिए खुली थी, पीएम मोदी के लिए जब मालदीव के कुछ मंत्रियों ने हर पराकाष्ठा लांघ दी थी, तो इस पर लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल ने साफ साफ कहा था कि पीएम का अपमान देश बर्दाश्त नहीं करेगा। पटेल ने पीएम मोदी के दौरे के लिए खास तैयारियां की थी। उन्होंने पीएम मोदी की लक्षद्वीप यात्रा के बाद आभार भी व्यक्त किया था और साथ ही शायद अब कमर भी कस ली है, क्योंकि मालदीव से अलग अब लक्षद्वीप को एक बहुत ही बड़ी शुरुआत मिलने वाली है। लक्षद्वीप में पर्यटकों की जैसे झड़ी लगने वाली है और इस सब में लक्षद्वीप के लिए काम कर रहे हैं पीएम मोदी के विश्वसनीय लोगों में शुमार प्रफुल्ल पटेल। कौन है प्रफुल्ल पटेल और क्या है लक्षद्वीप का प्रशासक होने के अलावा इनकी पहचान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2020 में प्रफुल्ल पटेल को लक्षद्वीप का प्रशासक नियुक्त किया था। कुछ समय के लिए नरेंद्र मोदी के मंत्री भी रह चुके हैं जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। प्रफुल्ल पटेल उन नेताओं में शुमार है जिन पर पीएम मोदी का पूरा पूरा भरोसा है। यही वजह है कि पीएम मोदी ने नए साल की शुरुआत में प्रफुल्ल पटेल के आग्रह पर ही लक्षद्वीप का दौरा किया। प्रफुल्ल पटेल ने जब से लक्षद्वीप के प्रशासक पद का कार्यभार संभाला है तब से वो यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में लगे हुए हैं ताकि शेष भारत से इस सुंदर जगह को अच्छे से जोड़ा जा सके। प्रफुल्ल पटेल का नाम गुजरात के सीएम रेस में भी था जब बीजेपी ने विजय रूपाणी का इस्तीफा ले लिया था और किसी पाटीदार चेहरे को कमान सौंपने की बात सामने आई थी। गुजरात की राजनीति में काफी सक्रिय रह चुके हैं प्रफुल्ल पटेल। वो विधायक होने के साथ साथ मंत्री पद का दायित्व भी संभाल चुके हैं। अगस्त 2010 से लेकर दिसंबर 2012 तक प्रफुल्ल पटेल गुजरात के गृह राज्य मंत्री रह चुके हैं और पिछले 4 साल से लक्षद्वीप का संभाल रहे हैं अतिरिक्त चार्ज। 26 जनवरी 2020 को प्रफुल्ल पटेल दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव के विलय के बाद केंद्र शासित दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव के प्रशासक बने थे। लक्षद्वीप के प्रशासक दिनेश्वर शर्मा के निधन के बाद प्रफुल्ल पटेल ने 5 दिसंबर 2020 से केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के प्रशासक के रूप में अतिरिक्त कार्यभार स्वीकार किया और तभी से वो इस जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं। पीएम मोदी के विश्वसनीय हैं प्रफुल्ल पटेल। लक्षद्वीप में इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट को लेकर गुजरात विधानसभा चुनावों से पहले सेव लक्षद्वीप मुहिम चली थी। इसमें प्रफुल्ल पटेल के फैसलों को लक्षद्वीप के लिए गलत बताया गया था। इस मामले ने काफी तूल पकड़ा था। कोरोना के नेगेटिव रिपोर्ट रखने वालों को ही लक्षद्वीप में प्रवेश के प्रफुल्ल पटेल के फैसले पर भी बवाल मचा था। हालांकि तीखे विरोध के बाद भी प्रफुल्ल पटेल लक्षद्वीप के प्रशासक बने रहे, जबकि तब वहां के सांसद मोहम्मद फैजल उनके विरोध में उतरे थे, लेकिन फिर भी अपनी जगह सुरक्षित रखने में प्रफुल्ल पटेल कामयाब रहे थे। 2007 में एक्टिव पॉलिटिक्स का हिस्सा बने थे प्रफुल्ल पटेल। पटेल ने साल 2007 में पहली
पहली बार हिम्मत नगर से जीत दर्ज की थी और विधायक बने थे। पटेल के पिता कोड़ा भाई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता थे, पीएम के उनसे भी काफी अच्छे रिश्ते थे। गुजरात में अमित शाह के जेल जाने के बाद पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री रहते हुए तब गृह राज्य मंत्री प्रफुल्ल पटेल को बनाया था। प्रफुल्ल पटेल ने अमित शाह के 10 में से 8 विभाग संभाले थे, लेकिन फिर 2012 में प्रफुल्ल पटेल चुनाव हार गए थे। 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो 2016 में प्रफुल्ल पटेल को पहले दमन और दीव का प्रशासक नियुक्त किया गया था। प्रफुल्ल पटेल के बेटे सिद्धार्थ पटेल भी गुजरात बीजेपी में सक्रियता रखते हैं। वैसे आप पीएम मोदी के विश्वसनीय प्रफुल्ल पटेल के बारे में जानकर क्या कहना चाहते हैं? आपको क्या लगता है जिस तरह से प्रफुल्ल पटेल की पीएम मोदी से करीबियां हैं और जो उनके काम करने का तरीका है, जितना अनुभव उन्हें राजनीति में हो गया है, क्या वो लक्षद्वीप अब जब अपने पंख फैलाने जा रहा है तो ऐसे समय में भी लक्षद्वीप के प्रशासक के पद के साथ न्याय कर पाएंगे? इस बारे में आपके विचार हमें कमेंट कर जरूर बताएं।